સુરત શહેરના વેસુ વિસ્તારમાં આવેલી ભગવાન મહાવીર ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ અને એલ.પી. સવાણી સ્કૂલના વાલીઓએ ફી મુદ્દે ડીઈઓ કચેરીએ રજૂઆત કરીને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું। સુરતની એલ.પી. સવાણી સ્કૂલમાં ઓનલાઈન ક્લાસ બંધ હોવાથી ફરીથી શરૂ કરવામાં આવે તેવી માંગ વાલીઓ દ્વારા કરવામાં આવી છે। ત્યારે ભગવાન મહાવીર ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં ट्यूशन फी सिवायनी बाकीनी एक्टिविटीना नामे लेवामां फी आवी रही छे। हाल फी माटे मांग कराई छे। ऑनलाइन फीना नामे फरी एक वखत दबाण करवामां आव्युं छे। छेल्ला 3 दिवसथी जेनी फी नथी तेवा विद्यार्थीओने हैरान कराई रह्या छे, जेथी वालीओ द्वारा डीईओ कचेरीए रजूआत करवामां आवी छे। मारुं नाम अनीता जैन छे। भगवान महावीर इंटरनेशनल स्कूल वेसू ए लोगों फी स्ट्रक्चर है 62,000 है छोकरीनू ने मांगनी। हमने कहूँ तो कि भाई ट्यूशन फीस भरो, पर अमे जैसे फी पे करवा गया तो ट्यूशन फी में कई घटाड़ो नहीं होता। जो स्कूल की फीस है ये लोग लई रहा है। त्या लगभग 600 થી 700 जेवा बाळको अभ्यास करी रह्या छे। अत्यारे लोगों ऑनलाइन क्लासेस जो हता एमणे बंद करी देवामां आव्या छे। फीस न भरवाना कारणे एमणे बधा स्टूडेंट ने बहार काढी दीधा छे। ऑनलाइन क्लासेस थी आश्रे ए लोकोए 60-70% काढी दीधा छे। अमे खाली अमारी मांगणी करवा आव्या छे कि अमने फीस में घटाडो जोईए छे अने अमारा छोकराओनी ऑनलाइन क्लासेस चालू करावे। मेरा बच्चा भगवान महावीर स्कूल में पढ़ता है, क्लास 5th में है, और यहाँ आने का उद्देश्य एक ही है कि स्कूल वालों ने थोड़ी हिटलर शासन कर रखा है। वो लोग 5,000 रुपये पर महीने क्लास 1st के बच्चे का भी मांग रहे हैं, यानी कि 60,000 रुपये साल का सिर्फ ट्यूशन फीस। इसके अलावा ID कार्ड है, एडमिशन है, वगैरह वगैरह वो सब अलग है। उनको छोड़ के सिर्फ 5,000 रुपये महीना उनको चाहिए। छोटे से छोटे बच्चों का भी 1.5 से 2 घंटा दिन में मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, जबकि हम उनकी स्कूल की बिल्डिंग, उनकी स्टाफ सैलरी, मतलब प्रेमाइसेस कुछ भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उनका ये डिमांड है। और जब हमने उनसे मांग की कि आप कुछ फीस कम कर दीजिए कोरोना के हिसाब से और अपने खर्चे के हिसाब से, क्योंकि अभी आपको कमाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो उनका कहना है आप पूरी फीस भरो वरना हम आपके बच्चों को क्लासेस सस्पेंड कर देंगे। हमने सोचा कुछ ऐसे ही दबाव के लिए बोल रहे हैं, पर हुआ ऐसा ही पिछले 5-7 दिनों से उन्होंने बच्चों को धड़ाधड़ सस्पेंड करना चालू कर दिया, जिसके वजह से बच्चों के मानसिक में भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। उनके मन में ऐसा लगता है कि अब हम क्या करेंगे, हमारी पढ़ाई छूट गई, बिकॉज उनका एक ही मोटिव है टू लर्न एंड स्टडी। और उसके बाद 2-3 दिन पहले हम भगवान महावीर जाके आए थे, रिटर्न में बहुत कुछ रिक्वेस्ट दे के आए थे, थोड़ा कैओस भी वहाँ पर होकर हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा 24 घंटे में आपको रिप्लाई देंगे, जो भी डिस्काउंट होगा हम आपको बताएंगे। आज उस बात को 4 दिन हो गए। थक हार के हम लोग आज डीओ ऑफिस के शरण में आए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। करने की बात कुछ हमने ऐसा कुछ हमने उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। वो तो 5% ऑनलाइन तुरंत पेमेंट करो फुल ईयर तो 5% डिस्काउंट, वरना कोई डिस्काउंट नहीं। हालांकि वो लोग जो नए बच्चे आ रहे हैं, आप उनकी पॉलिसी समझिए, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको डिस्काउंट दे रहे हैं, उनको 2 महीने की फीस भी माफ़ कर रहे हैं, अदर डिस्काउंट्स भी अवेल करवा रहे हैं। मगर जो हम पुराने हैं, जो उनसे पहले साल से जुड़े हुए हैं, जब पहले साल में भगवान महावीर की पढ़ाई और पैकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी हमने उनके साथ कोऑपरेट किया। आज हम उनके पुराने पेरेंट्स हो गए तो आई थिंक ओल्ड इज गोल्ड, पर उन्होंने ओल्ड को बोल्ड कर रखा है, बिल्कुल हमारी नहीं सुन रहे। वाली विमल जैने जणाव्यु हतु के मारू संतान भगवान महावीर इंटरनेशनल स्कूल में 6ठा धोरण में बाळक अभ्यास करे छे। अमे वालीओ भेगा मळीने आव्या छीए। प्रतिमासनी फी 7,000 थी वधु छे। बाकीनी फी अलग अलग एक्टिविटीना नामे लेवाय छे। हाल फी माटे मांग कराई छे। ऑनलाइन फीना नामे फी माटे दबाण कराई रह्युं छे। छेल्ला 3 दिवसथी जेनी फी नथी तेवा विद्यार्थीओने हैरान कराई छे, जेथी अमे डीईओ कचेरीए रजूआत माटे आव्या छीए। भगवान महावीर इंटरनेशनल स्कूल साथे एल.पी. सवाणी स्कूल में पण ऑनलाइन फी बंध थवा मुद्दे बुधवारे रजूआत कर्या बाद आज गुरुवारे फरीथी वालीओ द्वारा डीईओ कचेरीए पहुंची गया हता। वालीओए कह्युं छे के अमारी रजूआत पछी पण स्कूल द्वारा फी न भरवामां आवी होय तेवा बाळकोनुं ऑनलाइन एज्युकेशन बंद करी देवामां आव्युं छे, जेथी ते झडपथी शरू थाय ते अंगे रजूआत करी छे। कैमरामैन साबिर सैयद साथे सोनल टोपीवाला, दिव्यांग न्यूज, सूरत।